फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैंड डॉक्टर अतिया। सो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ एनीमिया के बारे में, यानी कि खून की कमी के ऐसे क्या कारण है, उसकी वजह से क्या क्या हमें लक्षण आते हैं और हमें ऐसे क्या कारण है कि उसको हमें बचने के लिए हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखना पड़े। देखिए, एनीमिया की अगर बात करें तो आज के जनरेशन में ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी हुई है और मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो वुमेन्स इसमें बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। तो एनीमिया से रिलेटेड अभी हम बात करेंगे कि एनीमिया को अगर हम आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली बात करें तो इसको हम पांडु रोग के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि एनीमिया है क्या। एनीमिया की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एज पर मॉडर्न साइंस तो इस कंडीशंस को हम क्या बोलते हैं कि इसमें होता क्या कि बेसिकली एनीमिया इज अ डिक्रीज इन रेड ब्लड सेल्स और लेस देन द नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। तो इस कंडीशन पे जो हमारे रेड ब्लड सेल्स होते हैं बॉडी में वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शंस आने उनमें शुरू हो जाती है, तो जिस वजह से हमारी हीमोग्लोबिन में कमी आनी शुरू हो जाती है। और हीमोग्लोबिन का जो लेवल होता है मेल्स एंड फीमेल्स दोनों में वेरिएशंस करता है, किसी में 12 ग्राम्स होता है, 13 ग्राम्स होता है, 14 ग्राम्स होता है, बट एनीमिया की कंडीशंस पे ये लेस देन जाना शुरू हो जाता है, यानी कि 8 ग्राम्स रह जाता है, अप टू 5 तक चला जाता है और 6 तक भी रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि एनीमिया के ऐसे क्या कारण है, क्या लक्षण है और हमें इसमें बचने के लिए क्या करना चाहिए। अगर हम एनीमिया की बात करें तो ये मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे पुअर पीपल्स में ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि जो विलेजेस में ज़्यादा रहते हैं, तो उन सब में भी कारण है कि विलेजेस में ज़्यादा क्यों पाया जाता है, पुअर पीपल्स में क्यों पाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि गरीब लोगों को ही ज़्यादा ये एनीमिया होता है, अमीर लोगों को नहीं होता। देखिए, उन दोनों में टर्म्स में कंडीशन अलग अलग होती है और इनके कारण भी अलग अलग होते हैं। तो पुअर पीपल्स जो विलेजेस में रहते हैं तो उनका एक सबसे बड़ा मेजर कॉज क्या है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की डाइट या प्रॉपर ना होने की वजह से बॉडी में हमारे जो रेड ब्लड सेल्स है वो प्रॉपर वे से बन नहीं पाते। या कई लोग क्या करते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो अच्छी फैमिलीज वाले भी होते हैं वो प्रॉपर वेजिटेरियन डाइट ही आजकल सब लोग प्रेफर करते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो 80% पीपल्स है जो वेजिटेरियन डाइट लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन डाइट्स नहीं लेते। तो वेजिटेरियन डाइट लेने से हमारा जो न्यूट्रिशन है वो प्रॉपर वे से नहीं मिल पाता। तो प्रॉपर वे से ना मिलने के कारण इन द सेंस कि हमें आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 और कई ऐसे न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट्स भी होते हैं जो बॉडी में हमें नहीं रिक्वायर्ड हो पाते, तो उस कंडीशंस पे हमारी बॉडी में एनीमिया जैसा रीजन क्रिएट हो जाता है। और भी कई ऐसे रीजंस हैं, या कुछ ट्रॉमा के कारण, सर्जरी के कारण, या जिसकी वजह से प्रोफ्यूज बॉडी में ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है, तो उस कंडीशंस पे भी एनीमिया तक की कंडीशंस आ जाती है। कई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पाइल्स की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है तो उस कंडीशंस पे ब्लीडिंग भी ज्यादा होती है तो पेशेंट्स एनीमिक हो जाते हैं। तो ब्लीडिंग पाइल्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और वीमेन्स में मेंस्ट्रुएशन, जैसे हर मंथली मेंस्ट्रुएशन आना तो उस वजह से भी ब्लड लॉस होना शुरू होता है, तो वीमेन्स में भी एनीमिया जैसी कंडीशंस पैदा हो जाती है। और अगर हम बात करें तो कुछ टाइप के अगर हमारी बॉडी में कैंसर्स के सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं। देखिए, एनीमिया जो प्रॉब्लम है, एकदम से आपकी बॉडी में कोई भी सिम्टम्स एकदम से अपेयर नहीं होता, तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि डाइट प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, वीकनेस आनी शुरू होगी, तो हम लोग एनीमिया के लिए हम लोग आयरन की टैबलेट्स वगैरह लेनी शुरू कर देते हैं। बट एक चीज़ का ध्यान रखना ये जरूरी है कि एनीमिया के लिए हमें उसका डायग्नोस करना बहुत जरूरी है, यानी कि हमें रीजंस उसका क्लियर होना चाहिए कि एनीमिया हो क्यों रहा है, किस वजह से हो रहा है। देखिए, एनीमिया होने के कई और भी रीजंस हैं, हमारी बॉडी में कैंसर के सेल्स भी पैदा हो सकते हैं। तो कैंसर के सेल्स यानी कि कॉलन का कैंसर हो सकता है, स्टमक का कैंसर हो सकता है, इसोफेगस का कैंसर हो सकता है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें रूल आउट कर लेनी चाहिए। तो ये कुछ कॉजेज हो गए जो कि मैंने आपको क्लियर किए कि एनीमिया होने के ऐसे क्या क्या कारण है कि जो हमारी बॉडी में खून की कमी कर देता है। और खून की कमी के कारण अब हमारी बॉडी में साइंस और सिम्टम्स कैसे पता चलेंगे, कि हमें कैसे पता चलेगा कि एनीमिया है कि नहीं है। देखिए, अगर साइंस की बात करें तो जिस पेशेंट्स को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है तो उसका जो स्किन का कलर है वो काफ़ी ज़्यादा पेल होना शुरू हो जाएगा, यानी कि येलोइश में चला जाएगा। येलोइश इन द सेंस कि अगर हम बात करें पेल का, जैसे कि जो तूड़ी का कलर होता है कि बिल्कुल पीला रंग में नहीं होता, वो थोड़ा सा लाइट कलर होता है, तो वैसे स्किन का कलर होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा हम चेक कैसे कर सकते हैं कि दो वजह से हम चेक कर सकते हैं, जैसे कंजक्टाइवा से, यानी कि ये हमारा आइज का पार्ट है, यानी कि लोअर पार्ट, और यहाँ की कंजक्टाइवा से हम पेशेंट्स को एग्जामिन कर सकते हैं कि उसके कंजक्टाइवा का कलर कैसा है, मतलब यानी कि रेडिश में है, पिंकिश में, तो जिससे कि हमें पता चल जाए कि पेशेंट एनीमिक है कि नहीं है। सेकेंड, उसके स्किन के कलर से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे स्किन की कलर बिल्कुल व्हाइटिश मिक्स रेडिश होती है, तो एनीमिया की कंडीशन भी क्या होता है कि वो बिल्कुल पेन होना शुरू हो जाता है, कि जिससे कि आपको क्लियर हो जाता है। थर्ड, हम नेल्स से भी चेक कर सकते हैं कि नेल्स को भी अगर इस तरह से हम प्रेस करें
तो आपके कलर फॉर्मेशंस आनी शुरू हो जाती है। अगर हम जब प्रेस करेंगे तो एकदम से व्हाइट होगा तो वो वापस रेड होना शुरू हो जाता है। तो एनीमिया की कंडीशंस पे क्या होगा कि हम लोग उसको लॉन्ग टाइम तक प्रेस करेंगे तो जब हम फिंगर उठाएंगे तो वो व्हाइट ही रहती है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि पेशेंट एनीमिक है। और साइंस क्या क्या आते हैं, टेकिकार्डिया, उसका हार्ट का बीट है यानी कि जो हार्ट रेट है वो काफ़ी ज़्यादा पैल्पेट करनी शुरू हो जाती है और उसको सांस चढ़ना शुरू हो जाता है, और उसकी जो पल्स है वो काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स्ड होनी शुरू हो जाती है यानी कि पल्स जो हम नबस चेक करते हैं उसकी जो बीट होती है वो जनरली इस तरह से बीट्स चलती है, बट कोलैप्स्ड होने का मतलब कि एकदम से वो कोलैप्स्ड हुई कुछ टाइम तक नहीं चलेगी, वापस चलेगी, फिर से कोलैप्स्ड हुई थोड़ी देर तक रिलैक्स करेगी फिर वापस चलेगी, तो ये भी उसके साइंस आने शुरू हो जाते हैं। तो ये थे हमारे एनीमिया के कॉजेज, हमारे उसके साइंस। अब मैं आपको बताऊंगी कि एनीमिया होने के सिम्टम्स क्या क्या आते हैं, कि अगर बॉडी है उसकी तो उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे एनीमिया में मतलब यानी कि मेरे खून में कमी आ रही है। तो देखिए, खून की कमी के कारण सबसे पहले पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी यानी कि उसको कमजोरी सी महसूस होगी, लिथर्जी होगी, फटीगनेस होगी, उसका कुछ भी काम करने का मन नहीं होगा, उसको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, उसका एकदम से वजन कम होना शुरू हो जाएगा और उसको कब्ज रहनी शुरू हो जाएगी, उसके हाथ पैरों में एकदम से जैसे चीटियाँ सी चल रही होगी टिंगलिंग सी सेंसेशन सी होनी शुरू हो जाएगी, हेडेक, सिर में दर्द होगा, कन्फ्यूजन, उसको कुछ भी चीज़ बोलने में या कुछ भी सोच समझने में वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज होना शुरू हो जाएगा। देखिए, एनीमिक होने का एक और भी बहुत बड़ा कारण है जो कि मैं आपको बताना भूल गई, कि हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन सबसे ज़्यादा मेन ऑक्सीजन से मिलता है। अगर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल भी कम हुआ तो उस वजह से भी हमारे जो सेल्स हैं वो टूटने शुरू हो जाते हैं। तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम लोग ऑक्सीजन भी अच्छी क्वांटिटी में अगर हम लोग ले रहे हैं तो उससे भी हमारे जो रेड ब्लड सेल्स उसको भी न्यूट्रिशन अच्छा मिलता है। तो हेडेक और कंफ्यूजन का भी एक रीजन ये कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम होना। तो ये थे हमारे सिम्टम्स के एनीमिया के कारण हमारी बॉडी में ऐसे क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। अब ये थे हमारे एनीमिया के साइन एंड सिम्टम्स। अब मैं आपको बताऊंगी, अब एनीमिया हो गया तो अभी हम इसे डायग्नोज कैसे करना है, इसके इन्वेस्टिगेशंस क्या करवानी है। देखिए, इन्वेस्टिगेशंस करवाने के लिए हम सबसे पहले उसका कंप्लीट ब्लड काउंट करवाएंगे, जिसमें कि हमें ये चेक करना होता है कि पेशेंट्स के हीमोग्लोबिन का लेवल कितना है, यानी कि अगर मेल्स है तो उसका अप टू 14 ग्राम्स तक रहता है नॉर्मल वैल्यूज, अगर फीमेल्स है तो वो 12 ग्राम्स तक रहता है, अगर इससे कम होना शुरू हो जाए तो वो कॉज करता है कि पेशेंट्स एनीमिक है। इसके अलावा हमें आयरन की प्रोफाइल करवानी चाहिए। आयरन की प्रोफाइल में एक टेस्ट होता है सीरम फेरेटिन लेवल, सीरम फेरेटिन लेवल का हमने रेंज देखना है, और TIBC यानी कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, तो ये दोनों चीज़ें हमें रूल आउट करनी चाहिए। और आयरन डेफिशिएंसी में यानी कि एनीमिया की कंडीशंस पे सीरम फेरेटिन लेवल कम होना शुरू हो जाता है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी का लेवल हायर में जाना शुरू हो जाता है। अगर ये सब चीज़ें कम या ज़्यादा होनी शुरू हो जाए तो इट मीन्स कि पेशेंट्स एनीमिक है। तो ये थी हमारी इन्वेस्टिगेशन, जिसमें कि हमने ये चेक किया कि पेशेंट्स एनीमिक है कि नहीं है। अब ये तो हमें पता चल गया, बट हमने उसका डायग्नोस तो ढूंढा ही नहीं, तो डिफरेंशियली डायग्नोस भी करना बहुत ज़रूरी है कि एनीमिया तो हमें पता चल गया कि पेशेंट एनीमिक है, बट ये है क्यों, रीजंस क्या है। तो डिफरेंशियल डायग्नोस में भी हमें पेशेंट्स के कुछ और इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी चाहिए, जिससे हमें ये क्लियर हो कि एनीमिया जो बॉडी में है वो किस रीजन से है। अगर हमें पेशेंट की कॉलोनोस्कोपी करवानी चाहिए, फीकल अकल्ट इन द ब्लड ये भी टेस्ट करवाना चाहिए, और अपर एंडोस्कोपी करवानी चाहिए, जिससे भी हमें पता चल जाए कि कौन से उसके ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो रही है, तो जिस वजह से उसको एनीमिया की प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये सब चीज़ें हमें पता चल जाए तो उससे हमें ट्रीटमेंट करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो ट्रीटमेंट में क्या रहता है कि बेसिकली हमें कुछ आयरन के लिए टैबलेट्स वगैरह लेनी पड़ती है, कुछ सिरप्स वगैरह लेने पड़ते हैं, या ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्रिवेंशन के लिए हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पालक हो गया, मेथी हो गई, चुलाई का साग हो गया, ये सब चीज़ें हमें हरे पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए, जिसमें कि आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो ये था आज का लेक्चर, था मेरा जनरल इन्फॉर्मेशन एनीमिया के बारे में कि आजकल फीमेल्स में ज़्यादा एनीमिया की जो प्रॉब्लम पाई जाती है वो किस रीज़न से है, वो भी मैं आपको क्लियर कर दिया है, और कई और कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है। अगर आपको आज का लेक्चर भी मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें। थैंक यू।